वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम जोमेटो स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो जोमेटो स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि फ्राइडे के दिन 61.4 पे क्लोजिंग दे चुका था। हालांकि गिरावट देखने को मिली थी जोमेटो स्टॉक में, फ्राइडे के दिन 8% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी थी। तो जोमेटो स्टॉक का मार्केट कैप जो है 48,000 करोड़ के करीब आ चुका है। मार्केट कैप में भी गिरावट देखने को मिले फ्राइडे की गिरावट के बाद। तो पी रेशो नहीं है, बुक वैल्यू देखोगे तो 21.3 का बुक वैल्यू है, डिविडेंड ऑफर नहीं करता है। आरओसी देखोगे तो माइनस में ही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में ही है। जोमेटो स्टॉक के फेस वैल्यू ₹1 का है। कंपनी के ऊपर टोटल जो डेट है, लोन है, देखा जाए तो 30.5 करोड़ का टोटल लोन है। यानी कि लोन भी देख सकते कि कम देखने को मिला है इस साल में। नेट प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी को 945 करोड़ का लॉस भी देखने को मिला है। और यहाँ पे ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस देख सकते हो माइनस में ही है, ईपीएस माइनस में और रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट नहीं दे हो रहा है। तो सेल्स की बात किया तो 3,985 करोड़ के सेल्स है। टोटल एसेट जो है 17,500 करोड़ के है। प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, जो कि चिंताजनक बात है। एक साल में देख सकते हो 55% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले है जोमेटो स्टॉक के अंदर। तो जोमेटो स्टॉक के इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि कंपनी ने अपना जो डेब्ट है कम किया है, लोन कम किया है, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और कंपनी आने वाले क्वार्टर के नतीजे अच्छे देने के चांसेस है। नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 2.89 टाइम्स बुक वैल्यू के ऊपर। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत ही लो है। और यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है पिछले 3 सालों से माइनस में ही है। कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो बहुत ही हाई है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट जोमेटो स्टॉक के लिए।